हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने आपका बॉन्ड पैरामीटर्स कंप्लीट कर लिया था, मतलब बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया था। जितना बताया उतना प्रिपेयर कर लीजिए, आपसे 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो चलिए इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी देखते हैं इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप जानते ही हैं बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी, तीनों का क्वेश्चन, तीनों टाइप के जो ये लैंग्वेज है ना, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी, ऐसे करके आपको मॉलिक्यूल्स दे सकता है। ठीक है, लिथियम का या नाइट्रोजन का आयंस दे सकता है या फिर ऐसे दे सकता है। ठीक, तो इन सभी मॉलिक्यूल में आपको बॉन्ड ऑर्डर भी पूछ सकता है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर भी पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी पूछ सकता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी पूछ सकता है। ठीक है, और ये तीनों, और ये क्वेश्चन ना इनके बॉन्ड ऑर्डर से ही हम सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर हमें पता चल गया तो ये चीनों तीनों चीज़ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड ऑर्डर से ही इस टाइप की लैंग्वेज के सवाल कर सकते हैं कि अगर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछा बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो पहली वैरायटी के सवाल ऐसे आते हैं कि ऐसे कुछ कंपाउंड देगा और इनमें से किसी एक का ऑर्डर पूछ लेगा। ठीक, दूसरे वैरायटी के सवाल क्या आते हैं कि एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप के ऑप्शन में आपके दो तीन कंपाउंड दे देगा, दो तीन चार कंपाउंड दे देगा। ठीक है, ऐसे आयंस दे देगा और बोलेगा आपको कि इसमें से बताओ कौन सा मॉलिक्यूल्स या कौन सा मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नॉन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इस टाइप का दे देगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बहुत ही आसानी तरीके से आप सेट कर लेंगे। मैग्नेटिक नेचर के बारे में पूछता है, दो चार ऐसे मॉलिक्यूल्स दे के पूछेगा बताओ कौन सा पैरा मैग्नेटिक है, कौन सा डाया मैग्नेटिक है। ठीक, कुछ स्पेशल क्वेश्चन करवाऊंगा इसी इसी मतलब टॉपिक से, जो कुछ अच्छी लैंग्वेज के फॉर्म में पूछे जाते हैं, लैंग्वेज को घुमा के पूछे जाते हैं। एडवांस में देखो कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब ऐसी टॉपिकों से क्वेश्चन नहीं आते, उसी टॉपिक से सवाल आते हैं, बट उनकी लैंग्वेज जो होती है ना वो बहुत कमाल की होती है। ठीक, तो उस लैंग्वेज क्या होती है या फिर वो लोग चैप्टर को एक दूसरे से कनेक्टिविटी जो बैठाते हैं वो बहुत गजब की होती है। ठीक है, अब मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को ऑक्सीडेशन रिडक्शन से सब कंपेयर कर देते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया सवाल, तो वो कंपैरिजन अच्छा बैठाते हैं कि इस चैप्टर को इस चैप्टर से लिंक करके सवाल अच्छे आ जा मतलब सवाल बना देते हैं। तो सम स्पेशल क्वेश्चन फॉर जे एडवांस कराऊंगा, ये ओनली जे एडवांस के लिए होगा। ठीक है, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कुछ आते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चार वेराइटी है सवालों की, सिंपल वे में बता रहा हूँ, जैसे सब बता रहा हूँ वैसे वैसे आप कीजिएगा। ठीक है, तो पहली वेराइटी पर चलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी। ठीक, पहली वैरायटी पे, तो पहली वैरायटी के सवाल हमें सॉल्व कैसे करना है, देखो हम जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा बॉन्ड लेंथ के। मतलब अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर पता है तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी सेट कर सकते हैं और बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर सेट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं, जैसे आपके प्रीवियस ईयर में अगर कुछ आया है क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन हम ले लेते हैं प्रीवियस ईयर के ही। पहले तो कॉन्सेप्ट बता दूँ आपको, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या बताना है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी गिवन मॉलिक्यूल्स होगा, अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो पहले आप देखिएगा उस मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको Li+2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आपको इसमें काउंट करना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक, तो लिथियम, एक लिथियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर तीन है, जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होंगे अगर इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है तो, न्यूट्रल स्टेट में। ठीक है, न्यूट्रल स्टेट में एटॉमिक नंबर के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लिथियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो लिथियम के पास छः इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ छः इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, वही Li+ दे दिया आपको, Li+ दे दिया। ठीक है, Li2 पे +1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छः इलेक्ट्रॉन थे Li2+ के पास, Li2 के पास। ठीक है, एक चला गया, कितने बचे, पांच इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ऐसे अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले रहे हैं तो बहुत इजी वे में बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, जो अगर किसी एलिमेंट के पास, ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल्स के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, अगर आप ऐसे इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन 14 मिल गए तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। अब 14 से एक ऊपर जाइए या एक नीचे आइए, 14 से एक ऊपर जाएंगे तो कितना मिलता है, 15। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन, या एक नीचे आएंगे तो कितना मिलेगा, 13 इलेक्ट्रॉन। ऊपर जाओ या नीचे आओ, बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा कितना कम होगा, 0.5 कम होगा, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। तो 3 से 0.5 कम कर दो, 2.5 हो गया,
ठीक है, यहाँ 2.5 भी हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, 14 से एक ऊपर जाओ या एक नीचे आओ, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम होगा। ठीक है, तो एक ऊपर गए तो 0.5 कम हो गया। अगर दो ऊपर गए तो, जैसे 14 से दो ऊपर गए तो 16 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, यहाँ से नीचे आएगा 16, 13 से 14 से दो नीचे आएगा तो 12 इलेक्ट्रॉन आएगा। दो नीचे गए तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 2.5 दो बार कम होगा, मतलब ओवरऑल 1 कम हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा आपका, तीन में से एक गया, कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर, दो हो जाएगा। उसी तरह अगर मान लीजिए तीन ऊपर गए, ठीक, 14 से कितना ऊपर गया, तीन, तीन ऊपर गया तो 17 आ जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तीन नीचे गए तो कितना आ जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तीन ऊपर जाओ या तीन नीचे जाओ, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 कम हो जाएगा। तो तीन में से 1.5 घटा दो, कितना आ गया, 1.5 1.5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और इस तरीके से हम अप टू कहाँ तक निकाल सकते हैं, अप टू निकाल सकते हैं मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 14 से 6 नीचे जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, नीचे जाना, 14 से 6 नीचे जाना तो 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और 6 ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो 6 ऊपर गए 6 नीचे गए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा भैया मेरे, कितना कम, 6 ऊपर जाएंगे तो 6 नीचे जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 कम हो जाएगा। तो 3 में से 3 माइनस करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम अप टू कहाँ तक निकाल सकते हैं, अप टू 8 इलेक्ट्रॉन टू 20 इलेक्ट्रॉन्स तक बॉन्ड ऑर्डर इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं, कि 14 से ऊपर नीचे जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या, एक ऊपर नीचे जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम करना है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम करना है। तो देखिए, ओवरऑल आपको 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन तक का ही बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा, ये तो गारंटी है आपके सिलेबस में 1 से 20 तक का है। तो देखिए, हम कहाँ से 8 से 20 तक का तो इजिली पता चल जा रहा है कि 14 से ऊपर नीचे जाके हम देख लेंगे कि 14 से एक ऊपर जाओ या एक नीचे जाओ, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम होगा। तो ऐसे हो गया 14 से 8 से लेकर 20 तक। अब मान लीजिए 1 से 20 तक के मतलब एलिमेंटों का कैसे निकल, 1 से 8 तक के, 1 से जो 7 तक के इलेक्ट्रॉन हैं होंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जान लीजिए, 1 से 7 के बीच में जो इवन नंबर है, अगर इवन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर इवन इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा आपका, 0.5। मतलब 1 से लेके 7 के बीच में इवन नंबर कौन कौन सा है, 2 है, 4 है, 6 है, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और वही 1 इलेक्ट्रॉन रहा, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन रहा, 5 इलेक्ट्रॉन रहा, 7 इलेक्ट्रॉन रहा, मतलब ऑड, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 0.5 होगा। ठीक है, यही अब सबसे बढ़िया ट्रिक होती है बॉन्ड ऑर्डर निकालने की, सबसे बेस्ट ट्रिक ये। कभी आप मत लगाइए हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जरूरत नहीं है, कॉम्पिटेटिव लेवल में जरूरत नहीं। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये आप लगा सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटेटिव लेवल में आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। तो यही लगाइएगा कि 14 से 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 14 से 1 ऊपर जाओ या 14 से 1 नीचे जाओ तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 0.5 कम होगा। ठीक है, ऐसे हम किसका कब कितने तक का निकाल सकते हैं, 8 से लेकर 20 तक का निकाल सकते हैं। ठीक है, और 8 से पहले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 से 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 से 7 इलेक्ट्रॉन के बीच में मैंने क्या बताया, अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा। आइए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए ये क्वेश्चन है, कहाँ के क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे द मॉलिक्यूल विच हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है। मॉलिक्यूल्स क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको C2 दे दिया है, ठीक है, N2 दे दिया है, ओके, B2 दे दिया है, O2 दे दिया है, ओके, और F2 दे दिया है। इसमें हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट पहले करते हैं। एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है न्यूट्रल स्टेट में, तो एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और दो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12। अब 14 से कितना नीचे आएंगे तो 12 मिलेगा, दो नीचे आएंगे तो 12 मिलेगा, दो नीचे आएंगे तो 0.5 दो बार कम होगा, मतलब ओवरऑल कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। तो 1 कम हो गया तो कितना, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 आ जाएगा। N2 एक एन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 एन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर मैंने क्या बताया, 3 होता है। ठीक, B2 मॉलिक्यूल एक बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, दो बोरॉन के पास आपके 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब 14 से कितना नीचे आएंगे तो 10 आएगा, 4 नीचे आएंगे तो 10 आएगा, 4 नीचे आने का मतलब क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना कम हो गया, 2 कम हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर ओवरऑल इसका कितना आ गया, 1। ठीक, O2 मॉलिक्यूल है, O2
एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए 14 से कितना ऊपर जाएंगे तो आपको क्या 16 मिलेगा, दो ऊपर जाएंगे, दो ऊपर जाने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 कम हो जाएगा, तो 3-1 बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2। F2 के केस में एक फ्लोरिन के पास आपके 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो फ्लोरिन के पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब 14 से कितना ऊपर जाएंगे तो 18 मिलेगा, 4 ऊपर जाएंगे, 4 ऊपर जाने का मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर कितना कम हो गया, 3-2 कम हो गया, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा, तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका मिला हमें, N2 का मिला, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आंसर यहाँ पे N2 हो जाएगा। तो ऐसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर दे रहे हैं तो 14 से ऊपर नीचे जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम होगा। अब ये आयंस का कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे N2 माइनस है, N2 है, N2 2 माइनस है, इसमें भी आपको क्या बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड सेट करने दिया है। एल कंपाउंड्स कौन कौन से हैं आपके, N2 दिया हुआ है, ठीक है, N2 माइनस दिया हुआ है और N2 पे 2 माइनस दिया। मैंने क्या बता, एक नाइट्रोजन के पास 7, दो नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है आपका, बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। अब देखिए 14 इलेक्ट्रॉन थे N2 के पास, एक ले लिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब 14 से एक ऊपर गए तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.5 आ गया। अब देखिए बहुत सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, चुटकियों में आंसर देके निकलना है इसका, ठीक है। N2 में कितने होते हैं, 14, 2 ले लिया, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 14 से 2 ऊपर गए, 0.5 दो बार कम होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर ओवरऑल 1 कम हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 2। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछा है, तो N2 का सबसे ज़्यादा, उसके बाद N2 माइनस, उसके बाद N2 नेगेटिव। इसमें भी इसी में आपको क्या पूछता था, पूछ सकता था NN, ये जो N सिंगल बॉन्ड N बनेगा ना, इसमें NN बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ सकता था, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछ सकता था, ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी ऑर्डर पूछ सकता था। तो हम जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्टेबिलिटी, तो यही ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी का भी हो जाएगा, स्टेबिलिटी का भी हो जाएगा यही ऑर्डर, और यही ऑर्डर आपका NN बॉन्ड एनर्जी का भी हो जाएगा, कि बॉन्ड एनर्जी भी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ दिया तो ये क्या हो जाएगा, अगर एन एन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ गया तो ये अपोजिट वाला हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर आप निकालना जानते हैं तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड और स्टेबिलिटी इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक, और एक स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन भी करवा देता हूँ आपसे। जैसे कि देखिए द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स H2 प्लस और H2 माइनस, ठीक है, बोथ H2 प्लस एंड H2 डू नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का सवाल है ये, रुकिया भी करवा रहा हूँ एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे आपका क्या नाम है, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर पूछ सकता है, ठीक। तो एक अच्छा क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ इसी के ऊपर। जैसे कि देखिए, जैसे कि ये मॉलिक्यूल होता है आपका KO2, ठीक है, Na2O2, ठीक, और ये तो बहुत VIP हैं, O2 पे AsF6, O2 AsF6 और O2 PtF2, ठीक है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स ना ऑक्सीजन के बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर अगर आपको मान लीजिए इसमें पूछेगा, आपको क्या पूछेगा कि O बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछ सकता है और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जब भी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ पूछे तो आपको क्या पता होना चाहिए, मतलब बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए। स्टेबिलिटी भी पूछ सकता है कि ओ बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या है, तीनों पूछ सकता है। तो पहले तो आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो पहले ध्यान दीजिए, जैसे ये यहाँ पे चार्ज कितना है, के पे हमेशा +1 का चार्ज होता है, तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो के पे +1 आएगा, ठीक है, के पे +1 आएगा और O2 पे क्या आएगा, O2 पे -1 आएगा, ठीक। इसको अगर हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, O2 पे -2 होगा, ये चार्ज इसको मिलता है, ठीक है, O2 पे -2 आएगा यहाँ पे, ओके, और Na2Na+ आएगा, ठीक। और यहाँ पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, अब जान लीजिए कि जो AsF6 होता है उस पे -1 होता है, अगर इसको तोड़ेंगे तो O2 पे ++ ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ना AsF6,
इस पे माइनस वन होता है। यही अगर आपको पता है कि इस कॉम्प्लेक्स पे कितने नेगेटिव चार्ज हैं तो ये इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स ऑक्सीजन के हैं जो बीच में घुसा के दे देगा आपको और ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। बहुत ईजी होता है अगर आपको ये पता हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस में है कि नेगेटिव में है, और प्लस में है तो कितने प्लस में है कितने नेगेटिव है, तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, जो इस पे ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है ना ओ टू पे प्लस टू होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है पी टी आपका पी टी एफ टू, ये क्या होता है माइनस टू में होता है। तो अगर एक बार हमें पता चल जाए कि ऑक्सीजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई कर, मतलब किस ऑक्सीजन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इजिली ओ ओ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ या स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे क्या ओ टू किस फॉर्म में था, ओ टू माइनस के फॉर्म में, यहाँ ओ टू किस, ओ टू नेगेटिव। अब बॉन्ड ऑर्डर सीधे कैलकुलेट कीजिए इसका, ओ टू का बॉन्ड ऑर्डर, ओ टू में कितने ओवरऑल इलेक्ट्रॉन होंगे, 16, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया 17 हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 14 से कितना ऊपर गए, 3 ऊपर गए, 3 ऊपर गए मतलब 1.5 कम हो जाएगा, तो 3 में से 1.5 गया तो 1.5 बच जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आ गया 1.5, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं ओ टू के पास, 2 लिया 18 हो गए, तो 14 से कितना ऊपर गए, 4 ऊपर गए, 4 ऊपर जाने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 ऊपर गए तो बॉन्ड ऑर्डर 2 कम हो जाएगा, तो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चले गए, प्लस आने का मतलब एक चला गया, 16 में से एक चला गया, 15 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। 14 से कितना ऊपर गए, एक ऊपर गए, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना कम होगा, 0.5 कम होगा, तो 3 माइनस 0.5, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। ओ टू पे प्लस टू है, तो ओ टू पे प्लस टू है तो क्या है, 16 में से 2 चले गए, 14 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा, उसके इन्वर्सली हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किस मॉलिकुल्स का है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर आपका इस मॉलिकुल का है, ओ टू पी टी एफ टू, उसके बाद आपका ओ टू ई एस एफ सिक्स, उसके बाद आपका इस मॉलिकुल का के ओ टू, उसके बाद एन ए टू ओ टू। ये ऑर्डर हो जाएगा आपका किसका, बॉन्ड एनर्जी का, कौन सी बॉन्ड एनर्जी, ओ सिंगल बॉन्ड, ओ बॉन्ड एनर्जी, और इसका इनवर्सली ऑर्डर हो जाएगा ओ सिंगल बॉन्ड, ओ बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। और यही स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी। तो ऐसे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी का सवाल करते हैं, आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना होगा। अगर आपको इस फॉर्म में दे देता, फ्री फॉर्म में, कि ऐसा कंपाउंड दे देता कि ओ टू पे माइनस वन, ओ टू पे माइनस टू, ओ टू पे प्लस वन, ओ टू पे प्लस टू, ठीक है, तो आप तो इजीली सॉल्व कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन काउंट करके। लेकिन एग्जामिनर, जो अच्छा एग्जामिनर होता है, वो इस टाइप के भी सवाल देता है। और ओ टू के यही दो कॉम्प्लेक्स है जिसको याद रख लीजिएगा, कि ए एस एफ सिक्स पे माइनस वन होता है और पी टी एफ टू पे प्लस माइनस टू होता है, जिसकी वजह से ओ टू पे प्लस वन और ओ टू पे प्लस टू आता है, ठीक है। बाकी इनका तो आप जानते हैं, यहाँ पे परऑक्साइड है तो ओ टू पे माइनस टू होगा, यहाँ पे भी परऑक्साइड है तो ओ टू पे माइनस वन होगा, यहाँ सुपर, ये सुपर ऑक्साइड है तो ओ टू पे माइनस वन होगा, ठीक है। वैसे भी आप मतलब कंपाउंड को तोड़ देंगे तो भी आपको चार्ज पता चलेगा, इसका चार्ज यहाँ जाता है, इसका चार्ज यहाँ जाता है, ठीक है। तो ऐसे आता है आपको क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी का सवाल ऐसे आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का सवाल क्या मैंने बताया, ठीक है, इनके इस टाइप के सवाल ऐसे ही सॉल्व करना, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होगा वही बॉन्ड एनर्जी का होगा, वही स्टेबिलिटी का होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑर्डर किसका होगा, बॉन्ड लेंथ का होगा। और बॉन्ड ऑर्डर ऐसे ही कैलकुलेट कीजिएगा कि 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है, और 3 से एक ऊपर जाओ या एक नीचे जाओ बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम होगा। तो ऐसे आपका 8 से लेके 20 तक का निकल जाता है, और बचे कितने, 1 से लेके 7 इलेक्ट्रॉन, 1 से लेके 7 इलेक्ट्रॉनों में जो इवन होगा, इवन नंबर, उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, और जो ऑड होगा उनका, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपका 0.5 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब सेकेंड टाइप के सवाल है क्या, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड। चलिए इसके भी सवाल कर लेते हैं, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स के ऊपर। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करना है इसमें। कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है सेकेंड वेराइटी, ठीक है। यहाँ पर मैं एक, इफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, then molecule will be
नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ऐसा केस अगर हो गया कि किसी मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गया है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ऐसा कब कब केस होता है भैया, अगर मॉलिक्यूल में जीरो, अगर भैया जीरो इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो अगर जीरो इलेक्ट्रॉन है किसी मॉलिक्यूल के पास तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये एकमात्र कंपाउंड हो जाता है आपका H2 पे प्लस टू दे देते हैं सब, H2 पे प्लस टू दे देते हैं। इसमें देखिए H2 क्या होता है, H2 के एक H के एटॉमिक नंबर 1 होता है और H2 के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। दोनों चले जाएंगे तो इनके बीच बॉन्ड रह जाएगा, क्या बॉन्ड नहीं रह जाएगा तो ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो जीरो इलेक्ट्रॉन हो, चार इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, आठ इलेक्ट्रॉन हो और 20 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास हैं तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इस केस में, इस केस में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और दोनों अपने एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, बॉन्ड का अस्तित्व रह ही नहीं जाता। जैसे कि आप देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ना, सिग्मा वन एस टू, अभी मैं बताऊँगा उसको याद कैसे करना है, पहले तो इसको समझा दूँ। जैसे पहले एक बॉन्डिंग होता है फिर एक एंटी बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग होता है एक एंटी बॉन्डिंग, तो बाबा, ठीक है, बाबा ट्रिपल बी, ट्रिपल बी ट्रिपल है, ठीक है, ये होता है आपका, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल में। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर ऐसा केस हो गया कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग के, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए जीरो तो हम समझ गए, जीरो होंगे इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो जीरो के केस में भी एग्जिस्ट नहीं। चार के केस में क्या होगा, हर एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ठीक है, हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं हुंस, ठीक। तो यहाँ पे दो भरा, चार इलेक्ट्रॉन के केस में यहाँ दो भरा, देखिए जितने बॉन्डिंग है उतने एंटी बॉन्डिंग, ठीक। आठ इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे, देखिए चार बॉन्डिंग है तो चार एंटी बॉन्डिंग, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। 20 के केस में क्या करना पड़ेगा, सब में भरना पड़ेगा, दो 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 दो, ठीक है, ओवरऑल देखिएगा 20 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें काउंट कीजिए बॉन्डिंग कितना है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच बॉन्डिंग मतलब ओवरऑल 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और देखिए 10 ही एंटी बॉन्डिंग हो गए, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, पाँच दूनी 10, तो 10 बॉन्डिंग 10 एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन अगर काउंट के, जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखिए, सवाल इजीली कर जाएंगे। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में जीरो इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन है, आठ इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब सवाल मैं आपको करवा देता हूँ इस टाइप के सवालों में, ठीक है। सवाल कैसे आएंगे, सवाल दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल मे एग्जिस्ट, ठीक है, पूछ रहा मे एग्जिस्ट, कौन सा एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, एच ई प्लस टू दिया हुआ, कौन कौन सा दिया हुआ भैया, एच ई प्लस टू दे दिया है, और क्या दिया है यहाँ पे, बी ई प्लस टू दिया हुआ है, एन एन ई प्लस टू दिया हुआ है, और सी टू, सी टू और सी टू दिया हुआ है, सॉरी एच ई टू दिया हुआ है, बी ई टू दिया हुआ है, एन ई टू दिया हुआ और सी टू दिया हुआ है। तो एक हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है, तो दो हीलियम के पास ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। एक बेरिलियम के एटॉमिक नंबर 4 होता है, दो बेरिलियम के पास कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, दो इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन, दो नियॉन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 20 होंगे, एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो 4 8 20 एग्जिस्ट नहीं करता है। और सी टू मॉलिक्यूल, एक सी टू के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो सी टू के पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड ऑर्डर इसका आएगा, ठीक है। जिनका बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो या फिर नंबर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो, जीरो, इन सब का देखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो आएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो, बॉन्ड ऑर्डर जीरो का मतलब उनके बीच बॉन्ड है ही नहीं, तो ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही क्यों करेगा जब उनके बीच बॉन्ड नहीं होगा, तो ठीक है। तो 12 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 14 से 2 नीचे जाना है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ये तीनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसी तरह आप देख लीजिए ये सवाल जो है, ये सवाल 69 नंबर सवाल, ये देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस बोथ द स्पीसीज नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट, इसमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, सी ऑप्शन देखिए, H2 प्लस और HE, मतलब कौन कौन से यहाँ पे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ,
एच टू प्लस दिया हुआ है, ठीक है, और एच ई पे माइनस टू दिया हुआ है, एच ई टू पे माइनस टू दिया हुआ है, ठीक, और एच टू पे प्लस टू दिया हुआ है, और आपका एच ई टू दिया हुआ है, यही ऑप्शन में है, और पूछ रहा है कौन सा इसमें से एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वन होता है। दो हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक चलेगा, इसके पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एक है। बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, मैंने क्या बताया, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा आपका, 0.5 आएगा, क्योंकि 1 से 7 के बीच में ये ऑड नंबर है, ठीक है। हीलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन 1 से 7 के बीच में इवन नंबर है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपका, एक आएगा, ठीक, ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा। एच टू पे प्लस टू, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ओवरऑल कितने, दोनों चले गए, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए, एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो 2 हीलियम के पास कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड ऑर्डर 0, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कौन सा पेयर इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एच टू प्लस ये वाला पेयर, ठीक है, एच टू प्लस और एच ई टू ये वाला पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स का सवाल करते हैं। आपको सीधे काउंट करना है ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स में अगर 0 इलेक्ट्रॉन मिले, 4 इलेक्ट्रॉन मिले, 8 इलेक्ट्रॉन मिले और 20 इलेक्ट्रॉन मिले, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। उस केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 0 होता है। किसी भी मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करने के लिए उनके बीच बॉन्ड का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपका पहली वेराइटी हो गई, दूसरी वेराइटी हो गई, ठीक है। यहाँ पे एलआई वाला एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया ना, जैसे एल आई प्लस टू होगा तो इसके पास ओवर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। और वही एल आई प्लस टू है तो ओवर इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे, 4 के केस में क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी सब मैंने करवा दिया है, ठीक। अब चलती है मैग्नेटिक नेचर पे, कि मैग्नेटिक नेचर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान दीजिए जो पॉइंट लिख रहा हूँ मैग्नेटिक नेचर के लिए, मैग्नेटिक नेचर का आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है। इफ ये तीसरी वैरायटी है, इफ मॉलिक्यूल हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन पैरामैग्नेटिक। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इफ मॉलिक्यूल हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन इट विल बी डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा विथ डाइपोल, और क्या नाम है आपका, मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 होगा, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 होगा कि एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। वही अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एक भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, वो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। एक्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्ट अगर किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास आपके 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 और 16 के केस में आपके 2 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है, 2 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। सिर्फ यही एक केस है इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जिसमें 10 और 16, इवन 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, लेकिन 10 और 16 के केस में क्या होता है आपका, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, क्योंकि हुंड्स रूल का फॉलो करना पड़ता है। ये मॉलिक्यूल जो होता है आपका B2 होता है और ये मॉलिक्यूल जो होता है आपका O2 होता है, ठीक है। इसमें आपको कैसे क्या करना है, अभी मैं रूल बता रहा हूँ कैसे, ये मतलब कैसे हुंड्स रूल को फॉलो करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक में भरते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक में भरते हैं, तो दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, मैं अभी बताता हूँ उसको कैसे याद करना है, कि अगर एक किसी मॉलिक्यूल के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और उसके पास हमेशा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 आएगा। कभी भी आपको मैग्नेटिक मोमेंट का ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये जो फार्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का,
एक मिनट, मैग्नेटिक मोमेंट का ये जो फॉर्मूला था ना, और मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू आपका होता है रूट एन इंटू एन प्लस टू होता है ना, इसका कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपको। इसमें नंबर, ये एन क्या होता है, नंबर ऑफ एन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ एन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एन इक्वल्स टू वन है तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका कितना आता है, 1.73 आता है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है आपका, 2.8 आता है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीन है तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका कितना आता है, 3 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नेटिक मोमेंट उतने पॉइंट समथिंग होता है। देखिए वन है तो 1 पॉइंट समथिंग, टू है तो 2 पॉइंट समथिंग, थ्री है तो 3 पॉइंट समथिंग, और ऑप्शन में ऑलरेडी आपको ये दिया रहता है, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई फार्मूला है और उस फार्मूले पे आप बार बार एक ही टाइप की कैलकुलेशन बार बार कर रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। उसके रिजल्ट को ऑब्जर्व करके कोई ऐसी लैंग्वेज लिख लीजिए जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, ठीक है। कैलकुलेशन अगर फास्ट है, वो करनी है, तो रिजल्ट को ऑब्जर्व करना पड़ता है और उससे शॉर्ट फॉर्म कुछ लिखना पड़ता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट में आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन क्रिएट करना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्रिएट मतलब पता लगाना है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट उतने पॉइंट समथिंग, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग, और तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन आया ऑप्शन में 3 पॉइंट समथिंग, देखिएगा कोई है, टिक मार के निकल जाइएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट में ये कभी फार्मूला यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है, आपके पास टाइम होता ही नहीं वैसे। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो आइए पहले मैग्नेटिक मोमेंट का आपको सवाल करवाता हूँ, कैसे कैसे सवाल आए हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक। यहाँ पे आओ, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्पीसीज हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, मैंने क्या बताया, जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे एन टू के पास 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एफ टू जो होता है 9 होता है, 9 दुनिया 18 इवन नंबर है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ओ टू जो होता है, ओ टू पे -1 कितना हो, एक ऑक्सीजन के पास 16 है और एक इलेक्ट्रॉन आ गया 17, 17 क्या है, ऑड है, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ओ टू के पास होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 16 2 18 हो गए, इवन हो गया, इवन का केस हो गया, तो यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 17 मैंने क्या बताया, ऑड के केस में हमेशा आपको एक अनपेड इलेक्ट्रॉन निकल मिलेगा, और मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा आपका क्या होगा, 1.73 बोर मैग्नेटॉन होगा। लेकिन वही इवन हो गया तो इवन के केस में 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और मॉलिक्यूल्स क्या होगा, डायमैग्नेटिक, एक्सेप्ट 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन के केस में आपको 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, वो कैसे होता है जस्ट अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक बोल दिया, सीधे देखिए किसके पास आपके ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर, तो ओ टू जो हो गया, ओ टू पे -1 है, 16 1 17 यही हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। साइनाइड देखिए कितना होता है, एक नाइट्रोजन एक कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 हो गया, 7 और 7 कितने हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है आपका, इवन है। सी ओ का 8 होता है, इसका 6 होता है, 8 6 14 14, ये हो गया इवन हो गया, इसके पास कुछ नहीं होगा। ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है, एक चला गया, 7 हो गया, और 7 और 7 कितना हो गया, 14। सारे नंबर क्या मिल रहा है यहाँ पे हमको, इवन मिल रहा है, इवन तो ये सारे क्या हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक। इसके केस में 17 इलेक्ट्रॉन और ऑड आ रहा है, तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। जब भी डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक पूछे तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, इवन आया तो डायमैग्नेटिक होगा, एक्सेप्ट 10 और 16 इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट 10 और 16 इलेक्ट्रॉन, बार बार बोल रहा हूँ, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन अगर आया तो उसके केस में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द मॉलिक्यूल हैव 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इज, मैंने क्या बताया, अगर ऑड आया तो उसके पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो NO है 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया, भैया इसी के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ऑड नंबर आ रहा है। अब CO के केस में देखिए 8 6 14 हो गए, ठीक है, यहाँ भी 14 हो जाएगा, यहाँ पे कितना, साइनाइड का कितना होता है, 6 1 आया, 7 हो गया, 7 7 14 हो गए, ठीक है, और 8 8 16 हो गए, 1 8 8 16, 16 के केस में मैंने क्या बताया, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 16 के केस में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 15 ऑड है, इसके पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे पूछा गया, द मॉलिक्यूल हैविंग 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो क्या कौन हो जाएगा, NO हो जाएगा, 15 वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑड आ रहा है तो हमेशा उसके पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ इवन के केस में होते हैं, जो कौन सा होता है, 10 और 16 वाला,
और इस टाइप का भी अगर आपको सवाल दे दे, जैसे कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इज, इसमें अमॉन्ग द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना, इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉन ही काउंट करना है। जैसे मैंने क्या बताया, इसको भी तोड़ लेना है, इसको भी तोड़ लेना है। जैसे यहाँ पे NO ओ पे माइनस टू आएगा, ठीक है, ओ पे माइनस टू, ओ पे माइनस टू का मतलब क्या है आपका, 10 इलेक्ट्रॉन, ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ओ पे माइनस टू आएगा यहाँ पे। जैसे ऐसे तोड़ेंगे तो ओ पे माइनस टू आएगा, तो एक ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, ओवरऑल 2 आ गए तो 10 हो गया, 10 क्या है आपका इवन है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। ओ थ्री के केस में 8 3 के 24 इवन है कि ऑड है, इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, तो एक भी आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, डायमैग्नेटिक होगा। N2O, एक नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं आपके, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 × 2 = 14, 14 और 8 कितने हो गए, ठीक है, 14 8 कितने हो गए आपके, 22 हो गए, 22 आपका क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। K O2 पे -1 अगर तोड़ेंगे तो इसको O2 पे -1 आएगा। एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 8 × 2 = 16 और एक कितने हो गए, 17, 17 क्या होता है आपका, ऑड होता है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, पैरामैग्नेटिक। ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन है कि इवन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो ऑड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा विथ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इवन है तो डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट 10 N16, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट आपको कैसे कैलकुलेट करना है। पैरामैग्नेटिज्म वाला सवाल ऐसे भी, मैग्नेटिज्म वाला सवाल ऐसे भी आ जाता है, मैं आपको सवाल सॉल्व करवा दे रहा हूँ, किस टाइप से आएगा यहाँ पे देखिए, ऐसे करके देता है कुछ लैंग्वेज के फॉर्म में, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन द बॉन्ड ऑर्डर हैज़ इंक्रीज एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर हैज़ चेंज, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो गया और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे देखिए, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 होते हैं, 2 कार्बन के पास 12 होते हैं, एक प्लस आया तो कितने होंगे, 11 होंगे, 11 से 12 गया, जैसे कि मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ कौन कौन सा मॉलिक्यूल है। बॉन्ड ऑर्डर क्या बोल रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है और मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज कर रहा है किसमें, तो ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ आपका, ए ऑप्शन में C2+ से बोल रहा है, C2 में जा रहा है, तो चेक करते हैं भैया, एक यहाँ पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे कितने होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर आपका 1.5 आता है, बात सही है, और 12 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा आपका, 14 से 2 नीचे जाएंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा, ठीक। तो बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज कर रहा है, पहली चीज़ें कन्फर्म, मतलब पहली जो कंडीशन ऑफ सेटिस्फाई हो रही है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल चेंज हो रहा है यार, 11 इलेक्ट्रॉन क्या है, 11 क्या है आपका, ऑड नंबर है, तो इसका मैग्नेटिक क्या ना, ये पैरा मैग्नेटिक होगा, पैरा होगा, लेकिन 12 क्या है, इवन है, तो ये होगा आपका डायमैग्नेटिक, तो आंसर यही हो जाएगा यहाँ पे। यहीं पे बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन भी दिखा देता हूँ आपको, NO+ है, NO+ से NO में जा रहा है, ठीक है। तो NO+ आपके ओवरऑल इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, 8 में हो गए, 8 से 1 चला गया, 7 हो गए, 7 7 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 आता है, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 7 15 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर आपका 2.5 कम हो गया, पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यहाँ पे बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करे और मैग्नेटिक नेचर चेंज करे, मैग्नेटिक नेचर तो चेंज हो रहा है लेकिन बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इस टाइप के भी सवाल होते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे सवालों को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। कुछ अच्छे सवाल और करवा दूँ आपको, ये वाले सवाल करवा देता हूँ, जैसे सिंपल है, आपको हमेशा क्या कैलकुलेट करना है, बॉन्ड ऑर्डर, जैसे यहाँ पे N2 एंड O2 आर कन्वर्टेड टू मोनोकैटायनिक रिस्पेक्टिवली, विच इज स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आपको N2 से किस में कन्वर्ट करा है, O2 में, N2 से N2+ में कन्वर्ट करा है, N2 से N2+ में कन्वर्ट करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे N2 का बॉन्ड ऑर्डर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 है, ठीक है, यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 13, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2.5 हो गया, ठीक है। और O2 से क्या कन्वर्ट कराया ने इसने, O2+ में, ठीक है, ऐसे लिख लिया, O2 का बॉन्ड 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। O2+ में कन्वर्ट कराया कितने हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ के 2.5 हो गया। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है इसमें, स्टेटमेंट क्या क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इन N2+ द NN बॉन्ड वीकनेस, इन O2+ द OO बॉन्ड
ऑर्डर इंक्रीजेज बॉन्ड वीकर। अच्छा बोल रहा है कि एन एन टू से जो एन टू प्लस में जा रहा है तो बॉन्ड क्या हो रहा है, वीकर मतलब वीकर हो रहा है। तो ए ऑप्शन तो सही है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड वीक हो रहा होगा। तो क्या पूछ रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है ना। तो पहला तो सही है कि एन टू प्लस में एन एन बॉन्ड क्या है, वीकर है, वीकर लिखना चाहिए था, वीकनेस लिख दिया। ठीक, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन ओ टू प्लस द ओ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, ओ ओ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है। हाँ बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है, देखिए 2 से 2.5 हो रहा है, जब ओ से ओ टू प्लस में जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है। तो बी ऑप्शन भी यहाँ पे आपके सही है, इन ओ टू प्लस द पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस। देखिए पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस का सिंपली यही मतलब होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले से कम हो गए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले से, जैसे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है तो आपके मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 आएगा, दो हैं तो 2.83 आएगा। ठीक है, अगर किसी के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, कम हो गया। अगर मैग्नेटिक मोमेंट कम होता है तो उसी को कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस, और मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीजेस। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, थर्ड ऑप्शन में इन ओ टू प्लस द पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस। बिल्कुल, मैंने क्या बोला, 16 इलेक्ट्रॉन के केस में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16, 10 और 16 के केस में तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 से 15 गए हैं, 15 क्या होता है, ऑड होता है, ऑड के केस में क्या मिलता है आपका, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो देखिए दो अनपेड इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है आपका, 2.8 आता है, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का 1.73 बोहर मैग्नेटॉन आता है। तो पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज कर रहा है, बिल्कुल डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि 2.8 से मैग्नेटिक मोमेंट से 1.73 हो जा रहा है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज कर रहा है। सिंपली याद रखिए पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस का मतलब होता है पहले से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीजेस का मतलब होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। ठीक है, और तीसरा एन टू बिकम्स डायामैग्नेटिक, नहीं एन टू प्लस बिकम डायामैग्नेटिक नहीं हो रहा है भाई, एन टू प्लस के पास ओवर नंबर ऑफ 13, ओवरऑल 13 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक नहीं होगा। तो ऑप्शन डी वाला जो हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी वाला वो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ें आपको देगा, आपको सिंपली क्या कैलकुलेट करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए, और जितने तरीके बताएं उसको सीख लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, तो ये सब कंपेयर करना बड़ा आसान हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ में वो ऑक्सीजन के दो कंपाउंड है जो, उनको याद रखिएगा आप, ठीक है, ऑक्सीजन के दो दो कंपाउंड है यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीच में आपको दे देता है कि ए एस एफ सिक्स पे -1 होता है और पी टी एफ टू पे -2 होता है। ठीक है, तो यहाँ निकल के आता है ओ टू प्लस और ओ टू पे +2। ठीक है, तो ये कंपाउंड याद रखिए, जितने कॉन्सेप्ट बताए उसको याद रखिए, सवाल आपसे निकल जाएंगे। और कौन सी वेराइटी आपकी बच गई, यहाँ पे बच गई आपकी सम स्पेशल क्वेश्चन जो जेई एडवांस के लिए मैं अभी करवाऊंगा थोड़ी देर में। अब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, ठीक है, अब देख लेते हैं थ्योरी बेस्ड सवाल जो आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। जैसे कि पहले तो कुछ थ्योरी समझ लो, ठीक है, जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है 1s2, ठीक है, 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये एक्चुअली में कैसे आता है और इसको कैसे हम डील करते हैं। देखो कि अगर कोई मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल होता है उसके पास क्या हो, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, देन एस और पी ऑर्बिटल जो होते हैं, एस और पी ऑर्बिटल, आप जानते हो जो, सिंपली यहाँ पे समझो, पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कहा गया है कि जित और पहले एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है, कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो मान लीजिए अगर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, जैसे 1s और 1s कंबाइन जब करते हैं, दो ऑर्बिटल कंबाइन, जितने ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है, तो 1s 1s कंबाइन करते हैं तो आपके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है, दो ऑर्बिटल, मॉलिकुलर ऑर्बिटल, σ1s और σ*1s, ठीक है, हम जानते हैं σ1s σ*1s कैसे बना, एस ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ आपका सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, मैंने बताया था, क्योंकि किसी अगर किसी के पास एक लोब है तो वो क्या कर सकता है, एक एक लोब, एक लोब के साथ ओवरलैप करती होते सिग्मा बॉन्ड बनता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने बताया था, दो लोब के साथ ओवरलैप करे तो पाई, और तीन लोब के साथ, चार लोब के साथ तो डेल्टा। अब ये डिपेंड करता है कि उसमें बॉन्डिंग बनेगा कि एंटी बॉन्डिंग, मतलब एक लोब अगर एक लोब के साथ ओवरलैप कर रहा है तो सिग्मा बॉन्डिंग भी बन सकता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी फेज क्या है। तो अगर 1s 1s आपस में
कंबाइन किए होंगे, तो देखो देखो 1s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, ठीक है, या तो ये पॉजिटिव फेज में होता है या तो कम्प्लीटली निगेटिव फेज में होता है। तो अगर ये पॉजिटिव फेज में आपस में कंबाइन किए होंगे तो क्या बना होगा, सिग्मा बॉन्डिंग बना होगा, सिग्मा 1s। और वही अगर s एक पॉजिटिव फेज में और एक नेगेटिव फेज में कंबाइन किया होगा तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो वही 1s 1s आपस में कंबाइन किए होंगे तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बना है, ठीक है, क्योंकि s ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सेम फेज में ओवरलैप करेंगे तो बॉन्डिंग बनेगा, अपोजिट फेज में ओवरलैप करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में कहा गया है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा पाई डेल्टा ये जो होते हैं ना ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, तो उतने मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। और जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इक्वल होगा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल के, ठीक है, मतलब जितना बॉन्डिंग बनेगा उतना ही एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। तो 1s 1s कंबाइन करके ये बना है, ठीक है, 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। अब 2s 2s कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे भी s वाला ही है, s ऑर्बिटल है, तो बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग बनेगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बने, तो सिग्मा 2s बनेगा बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार 2s बनेगा, ठीक है, क्योंकि s ऑर्बिटल क्या होता है आपका सिर्फ और सिर्फ आपका बॉन्ड मतलब क्या सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, इसलिए सिग्मा बॉन्डिंग बना और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बना, ठीक। अब उसके बाद आपका आता है 2p, और ठीक है 2p 2p ओवरलैप करते हैं, ठीक। पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 3 + 3 6 ऑर्बिटल मिक्स करेंगे तो 6 आपके मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे जिसमें से 3 बॉन्डिंग होगा 3 एंटी बॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कौन कौन सा, पी के पास px होता है, ठीक है, py होता है और pz होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखो ना सिग्मा कौन बनाया, इसमें पी सिग्मा 2pz देखिएगा आप, सिग्मा 2pz है तो pz ही यहाँ सिग्मा क्यों बनाया, पी एक्स और पी वाई क्यों पाई बनाए, ठीक है। देखो π2px और π2py मतलब px और py आपका पाई बॉन्ड बना रहे हैं और pz जो होता है वो सिग्मा बना रहा है, ऐसा क्यों है, सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऐसा इसलिए है कि देखियो जब p और हम जानते हैं कि दो डिफरेंट p ऑर्बिटल कभी भी ओवरलैप करके बॉन्ड नहीं बनाते, तो px के साथ ही ओवरलैप करेगा मतलब कंबाइन करेगा, py के साथ ही कंबाइन करेगा और pz के साथ ही कंबाइन करेगा, ओके। तो कॉम्बिनेशन किससे, यहाँ पे क्या पाई बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के केस में, इन दोनों के केस में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, देखो सिग्मा 2pz है और सिग्मा स्टार 2pz है, ठीक है, 2 ऑर्बिटल है तो 2 ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो सिग्मा स्टार 2pz और सिग्मा 2pz बनेगा। मैंने क्या बोला, जितने बॉन्डिंग होते हैं उतने एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। यहाँ पे pz ही क्यों आपका सिग्मा बॉन्ड बना है, ये पाई क्यों बना है, क्योंकि अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं दी होती है तो जेड एक्सिस को ही हम हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, ये सेल्फ एज्यूम होता है कि अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं दी हुई है तो जेड एक्सिस आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी। अगर जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी जिस एक्सिस के अबाउट ये जाके कंबाइन करेंगे, तो देखो जेड एक्सिस अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो pz ही तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और py और px ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इसीलिए इसके केस में pz के केस में सिग्मा बॉन्ड बना, py के केस में क्या बना आपका, py और px के केस में पाई बॉन्ड बना, ठीक। तो ये होता है इस टाइप का कि ये जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल या का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे लिखते हैं ना, वो यहाँ से आया है कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो बॉन्डिंग जितने बनेगा उतना ही एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। कंबाइन उसी तरह इसका एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से मिल जाएगा, ठीक है। अभी एक्सप्लेन किया मैंने, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस जेड एक्सिस है इसलिए pz सिग्मा बनाया, और जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है इसलिए px और py आपस में कंबाइन करके पाई बॉन्ड बनाया। तो ओवरऑल ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है, ठीक है। तो ये कहाँ से आया पता चल गया सिंपली, ठीक, ऐसे आता है, ठीक है। और आप जानते होंगे कि बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है ना, बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इसकी एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग स्टेबल होता है और जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है, जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, इस बात को ध्यान में रखिए। और जितने मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं उनमें से जितने बॉन्डिंग बनेंगे उतने ही एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। और जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे उसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। अब चलो आओ मेन पॉइंट की तरफ आते हैं, ठीक है। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसमें एक चेंज होता है कि सिग्मा 2pz कभी बाद में भरा जाता है π2px π2py से, और कभी सिग्मा 2pz जो होता है ना वो पहले भरा जाता है π2px π2py से। ऐसा केस कब होता है, देखो
अगर गिवन मॉलिक्यूल के पास 1 से 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 114 इलेक्ट्रॉन है, तो एस और पी मिक्सिंग हो जाती है, एस और पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, और मिक्सिंग में हमेशा जान लेना एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एस और पी की मिक्सिंग होती है, और जो मिक्सिंग से एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को क्या होता है, ये सिग्मा टू पी जेड क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी मतलब एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो एस और पी मिक्सिंग अगर हो जाती है तो मिक्सिंग से एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी को सिग्मा टू पी जेड क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसकी एनर्जी पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई से ज़्यादा हो जाती है। और अगर एनर्जी ज़्यादा हो गई तो वो ऑर्बिटल बाद में भरा जाता है, क्योंकि अब्बा हू ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हम एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे, यानी उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम होती है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसको बाद में भरा जाएगा, ठीक है। तो अब्बाऊ का रूल हम यहाँ फॉलो करेंगे, तो सिग्मा टू पी जेड पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई से एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये बाद में भरा जाता है। किस केस में, अप टू एटॉमिक नंबर 1 to 14, ठीक है, अगर अप टू इलेक्ट्रॉन 1 to 14, अगर 14 इलेक्ट्रॉन तक है तो सिग्मा टू पी जेड की एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई से बाद में भरा जाएगा। और ये हमेशा याद रखो कि ये हम देखते हैं न्यूट्रल स्टेट में, ठीक है, न्यूट्रल स्टेट में, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा पहले समझा देता हूँ, दूसरा, इफ मॉलिक्यूल हैव ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब 15, 16, 17 ऐसे इलेक्ट्रॉन है, तो एस और पी मिक्सिंग नहीं होगी, मिक्सिंग नहीं होगी तो एनर्जी नहीं रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो सिग्मा टू पी जेड एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एनर्जी को ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा तो सिग्मा टू पी जेड क्या होगा, ये पहले भरा जाएगा इससे, देखो सिग्मा टू पी जेड पहले भरा जाएगा पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई से, बस यही एक डिफरेंस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अप टू एटॉमिक नंबर 4 इलेक्ट्रॉन 14 तक 1 to 14 मिक्सिंग हो जाती है, एनर्जी जो रिलीज होती है वो सिग्मा टू पी जेड ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे इसकी एनर्जी बढ़ हो जाती है, किससे, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई से, इसलिए यह बाद में भरा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन में। और वही अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो उसमें एनर्जी मिक्सिंग नहीं होती, मिक्सिंग नहीं होती तो आपको क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज नहीं होगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो एब्जॉर्ब नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी तो ये इसकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी, इसलिए पहले भरा जाएगा पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई से, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो भी स्टेटमेंट है वो मॉलिक्यूल्स के न्यूट्रल स्टेट के लिए डिफाइंड है। जैसे कि सी यू में पूछा जाए एस और पी मिक्सिंग होगी कि नहीं, तो देखिए ओवरऑल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 8, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, मिक्सिंग आसानी से हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है, मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है, मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक। लेकिन वही आपको एनओ में पूछ दिया जाए तो इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, मिक्सिंग नहीं होगी, मिक्सिंग नहीं होगी। वही एनओ प्लस बोल दिया जाए, एनओ प्लस बोल दिया जाए तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मिक्सिंग होगी क्या यहाँ, मिक्सिंग अभी भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमेशा आप न्यूट्रल स्टेट में देखिएगा, न्यूट्रल स्टेट में अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो मिक्सिंग, 14 या 14 से कम है तो मिक्सिंग होगी, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मतलब मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन मतलब ले के या फिर इलेक्ट्रॉन दे के, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा है या उससे कम पूरा कर रहा है तो वो मैटर नहीं करता उस केस में मिक्सिंग, न्यूट्रल स्टेट में क्या है वो मैटर करता है। जैसे एनओ प्लस दे दिया तो एनओ प्लस में ओवर इलेक्ट्रॉन 14 है, लेकिन न्यूट्रल स्टेट में हम देखते हैं न्यूट्रल स्टेट में इसके पास कितने हैं, न्यूट्रल स्टेट में अगर 14 या 14 से कम है तो मिक्सिंग होगी, वरना नहीं होगी, उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे वही अगर आपको सी ओ नेगेटिव दे दिया तो यहाँ ओवर इलेक्ट्रॉन 15 हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सी यू के न्यूट्रल स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ मिक्सिंग हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी, और यहाँ भी मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है, यहाँ भी मिक्सिंग हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन लेने या देने के पास 14 से ज़्यादा हो जाए या 14 से कम हो जाए वो मैटर नहीं करता, न्यूट्रल स्टेट में देखना है आपको, न्यूट्रल स्टेट में देखना है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है या उससे कम है तभी मिक्सिंग होगी, ठीक है, और 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो मिक्सिंग नहीं होगी। जैसे कि ये वाला केस देखिए, 14 इलेक्ट्रॉन है लेकिन हमें ये आयंस के फॉर्म में नहीं देखना, न्यूट्रल स्टेट में देखना है, तो कब मिक्सिंग होगी कब मिक्सिंग नहीं होगी इस बात का भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा हम न्यूट्रल स्टेट में देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए इस पर सवाल कैसे आते हैं, सवाल कैसे आते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला सवाल देखिए, कौन सा सवाल भाई, कहाँ चला गया, हाँ, एज्यूम 2s एंड 2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटेड, ठीक है, अगर 2s और 2p मिक्सिंग नहीं होगी तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो सिग्मा 2pz एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो पाई 2px पाई 2py से
बाद में नहीं भरा जाएगा, पहले ही भरा जाएगा। तो टू एस एंड टू पी मिक्सिंग नॉट ऑपरेटेड का मतलब हो गया कि सिग्मा टू पी जेड जो है वो पहले भरा जाएगा, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई से, ठीक है। तो द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, तो इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा हो जाएगा, बी टू दिया हुआ है, एन टू दिया हुआ है, सी टू दिया हुआ है, और आपका देखो मॉलिकुल्स कौन सा दिया हुआ है, बी ई टू दिया हुआ है, बी टू दिया हुआ है, सी टू दिया हुआ है और एन टू दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख रहा हूँ, सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार वन एस, सिग्मा सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, ठीक। और मिक्सिंग नहीं हो रही है तो क्या होगा, सिग्मा टू पी जेड क्या हो जाएगा, पहले भरा जाएगा एज़ कम्पेयर टू पाई टू पी एक्स, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई से, ठीक। इतने में ही पूरा हो जाएगा क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन थे। जैसे देखो बी ई टू है, बी ई टू है तो दो दो इलेक्ट्रॉन हमें भरना है, दो बी ई टू में ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आठ हो जाएंगे, चार इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है, आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो आठ भरना है, तो दो दो चार दो छः दो आठ, ठीक है। पैरामैग्नेटिक नहीं है, सभी के पास देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एस के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक। बी टू का कंप्लीट हो गया, अब बी टू बी ई टू का कंप्लीट हो गया, बी टू का देखो इसमें दस इलेक्ट्रॉन होंगे, दस इलेक्ट्रॉन होंगे तो देखो यहाँ पे भी पेयर्ड हो गए, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी पेयर्ड हो गए, पी में एक और पी जेड एक ऑर्बिटल होता है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ भी पेयर्ड है। सी टू के केस में देखो ये एनर्जी इक्वल होती है इनके, ठीक है, एनर्जी इक्वल होती है। और हुंस रूल क्या कहता है कि अगर, ठीक है, पहले पहले क्या करना है आपको, ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है तब जाके पेयरिंग शुरू करना है। इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, इक्वल है, तो पहले इनको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे तब जाके आपका इनमें पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो सी टू के केस में क्या, आपका 12 इलेक्ट्रॉन है तो 10 यहाँ तक हो जा रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन भरना है तो दो यहाँ नहीं भर सकते, डायरेक्ट दो नहीं भर सकते क्योंकि हुंस रूल यहाँ पे फेल हो जाएगा, हुंस रूल फेल हो जाएगा तो हुंस रूल, और कभी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो आप बहु हुंस और पॉली रूल को फॉलो करते हुए भरते हैं, ठीक है। तो 12 इलेक्ट्रॉन हो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या हो गया आपका, मिल गया आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो पैरामैग्नेटिक कौन सा हो जाएगा, सी टू हो जाएगा, ठीक है। वही N2 के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो सब सभी क्या हो जाएंगे आपके, पेयर्ड हो जाएंगे तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। C2 के केस में 12 हैं तो एक यहाँ भरते हैं और एक यहाँ भरते हैं तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं हमें, तो पैरामैग्नेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ C2 मॉलिक्यूल हो जाएगा अगर ये मिक्सिंग नहीं हो, जबकि C2 क्या हो, 12 इलेक्ट्रॉन है, मिक्सिंग हो जानी चाहिए, वो लैंग्वेज में लिखा है कि मिक्सिंग ना हो तो इसमें से पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर मिक्सिंग हो जाती तो ये B2 पैरामैग्नेटिक होता, कैसे, देखिए मिक्सिंग हो जाती तो ये बाद में भरा जाता है, ये यहाँ भरा जाता है, ठीक है। तो पहले आपको क्या हुआ, आठ इलेक्ट्रॉन भर लेते, अब दसवां इलेक्ट्रॉन जो भरता है वो एक यहाँ भरता है एक यहाँ भरता, तो अगर मिक्सिंग नहीं होती तो B2 क्या हो जाता आपका, मिक्सिंग होती तो B2 आपका पैरामैग्नेटिक होता, ठीक है। अगर मिक्सिंग नहीं हो रही है तो C2 पैरामैग्नेटिक होगा, मिक्सिंग नहीं होगी तो ये क्या होता, पहले भरा जाता है ना। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, तो मिक्सिंग होगी तो क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा टू पी जेड बाद में भरा जाएगा, और मिक्सिंग नहीं होगी तो सिग्मा टी पी जेड पहले भरा जाएगा, ठीक है, पहले भरा जाएगा। तो ऐसे करके कौन पैरामैग्नेटिक आएगा, कौन सा डायामैग्नेटिक आएगा, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है कि एज्यूम दैट हुंस रूल इज़ वॉयलेटेड, ठीक है, हुंस रूल फॉलो नहीं किया जाए, हम अगर हम हुंस रूल ना फॉलो करें तो पूछ रहा है द बॉन्ड ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक नेचर ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल बी टू का मॉल, अगर हुंस रूल फॉलो नहीं करें तो बी टू मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, जैसे बी टू मॉलिक्यूल्स का इन नॉर्मल में देखें तो सिग्मा वन एस टू, सिग्मा स्टार वन एस टू, सिग्मा टू एस टू, सिग्मा स्टार टू एस टू, ठीक है, दो दो इलेक्ट्रॉन भरते जाओ, इसके पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें मिक्सिंग हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है तो सिग्मा टू पी जेड बाद में भरा जाएगा, तो पाई टू पी एक्स यहाँ आएगा और पाई टू पी वाई हो जाएगा और यहाँ पे सिग्मा टू पी जेड होगा, ठीक, क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन तो मिक्सिंग हो जाएगी तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 भर चुके, अब आपको क्या कर रहा है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, और क्वेश्चन में लिख दिया है कि हुंस रूल हमें फॉलो नहीं करना है, एज्यूम दैट हुंस रूल इज वॉयलेटेड, अगर हुंस रूल का उल्लंघन हम कर दें तो क्या होगा, उल्लंघन कर देंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यही भर देंगे। हुंस रूल क्या कहता है, हुंस कहता है भैया मेरे झुंड मत पहले बनाना, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना, हुंस रूल होता तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन बचा है ना इसके पास, पहले एक इसको देते एक इसको देते, हुंस ने कहा था कि अगर डीजनरेटेड ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी क्या इक्वल है, इन दोनों की ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है, तो उनमें क्या होगा, डीजनरेटेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरे जाएंगे फिर जाके पेयरिंग शुरू होगी, मतलब हुंस ने कहा था कि झुंड पहले मत बनाना, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरेंगे और फिर जाके पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक।
तो यहाँ पे कह रहा है हुंडस रूल फॉलो नहीं करना, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन भरते जाओ भैया मेरे, कभी भी पेयरिंग शुरू कर दो। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली भर देंगे, दो इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा आपका, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल और बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा, तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो 14 से 4 नीचे आएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा और डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल हो जाएगा, आंसर ये होगा। ठीक है, पहला वाला आंसर हो जाएगा कि एज्यूम दैट हुंडस रूल अगर फॉलो नहीं करेंगे तो बी टू मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा और बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो ऐसे आपके थ्योरेटिकल पॉइंट्स में सवाल आ जाएंगे कि पूछा जाएगा कि आपका क्या होता है, अगर मिक्सिंग नहीं हो तो क्या होगा, मिक्सिंग हो तो क्या होगा, मिक्सिंग नहीं होगी तो कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, अगर मिक्सिंग नहीं होगी तो बताओ कौन सा डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो ऐसे करके सवाल आते हैं। तो आपको सिंपली यही याद रखना है कि लैंग्वेज क्या लिखा है, अगर मिक्सिंग हो जा रही है तो क्या होता है, सिग्मा टू पी जेड की एनर्जी वो बढ़ जाती है पाई स्टार टू पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई से। ठीक है, और मिक्सिंग अगर नहीं हो रही है तो इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी कम होगी तो वो पहले भरा जाएगा, तो कौन पहले भरा जाएगा कौन सा बाद में भरा जाएगा, ये सब बातें आप ध्यान में रखिए। इसी टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, ये हर एक वैरायटी मैंने करवा दी। ठीक, अब जितना बताया उतना कंप्लीट कर लो, जेई मेंस और नीट लेवल के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, एडवांस लेवल के लिए कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा जो बेहतर क्वेश्चन है, क्योंकि एडवांस में सिर्फ लैंग्वेज का ही फेयर होता है, वो अच्छी अच्छी लैंग्वेज यूज़ किया हुआ है और अच्छा अच्छा मतलब एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट किया हुआ है, तो वो क्वेश्चन मैं एडवांस लेवल वाले नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। मेंस और नीट के लिए इतना पर्याप्त है जितना मैंने बताया, जितना बताया उतना याद रखो, सवाल इजिली निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा एडवांस लेवल के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।